प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ काली दुर्गा चंडी अलग अलग हैं कि एक ही? यदि एक ही हैं तो विभिन्न रूप क्यों? माँ भगवान तो एक ही हैं, जैसे मनुष्य एक ही है परंतु रूप अलग अलग हैं, उसी प्रकार काली कृष्ण आदि ब्रह्म रूप से एक हैं, शक्ति रूप से अलग अलग। मनुष्य की विभिन्न रुचि और भाव हैं, इसीलिए वे विभिन्न रूप में प्रकाशित होते हैं। तुम्हें जिस रूप से भगवत प्राप्ति होगी, भगवान कृपा करके उसी रूप में मिलते हैं, किंतु मूल में वह एक ही भगवान है। आत्मा एक ही है, साकार रूप और निराकार रूप दोनों ही आत्मा के हैं। साकार माने स्वयं ही आकार रूप में, जैसे जल और बर्फ का नित्य संबंध है, वैसे ही स्वयं भगवान विभिन्न रूप में प्रकाशित होते हैं अवश्य, परंतु हैं एक ही। क्रिया रूप में वे ही नाना प्रकार के, आत्मा रूप में वे एक अद्वितीय। प्रश्न करता, माँ आत्मा यदि एक ही है तो एक का दुख दूसरा अनुभव क्यों नहीं करता? माँ जब तक अन्य भाव है तब तक, जब तक अनुभव है तब तक विभिन्न बोध। जब अनुभव और अन्य रूप का प्रश्न नहीं रहेगा तब सभी के दुख का अनुभव होगा। ज्ञान ज्ञे ज्ञाता इस त्रिपुटी का नाश होने पर एकत्व का बोध होता है, उसके पहले अलग बोध। जैसा भाव वैसा लाभ, जिस स्तर का एकत्व उतना अनुभव। जो गति है वही जगत है, जो बंधन में है वही जीव है। जीव जगत में जैसा भाव वैसा लाभ, भगवान का विधान कैसा सुंदर है। विभिन्न रूपों में सब उन्हीं की लीला। प्रश्न, माँ देह त्याग के समय भगवान का स्मरण कैसे होगा? गीता में जो लिखा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। माँ जीवन बनाओ सत्संग के द्वारा, अभ्यास योग के द्वारा। थ्योरिटिकल नहीं, प्रैक्टिकल करना होगा। जैसे व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक कार्य अभ्यास अनुयायी होता है, उसी तरह ईश्वर स्मरण के लिए नित्य अभ्यास करना होगा। गीता में क्या है यह शरीर तो जानता नहीं, पढ़ा सुना भी नहीं। तुम नित्य योगी अभ्यास योगी भी होने का कोशिश करो, तब अंतकाल में वे ही स्मरण करा देंगे। श्रद्धा सहित निरंतर नित्य अभ्यास, छात्र की स्थिति, अभ्यास में भी तुम स्थित, वे ही अभ्यास रूप में स्थित होकर शेष मुहूर्त में स्मरण में आ जाएंगे। सर्वदा करो, नित्य करो। प्रश्न करता, मां नित्य करने से प्रयाण काल में क्यों? मां 24 घंटा करने से केवल प्रयाण काल में क्यों? जिस मुहूर्त में स्थिति आएगी तभी होगा। काष्ठ घर्षण से जैसे अग्नि होती है, किसका कब वह मुहूर्त आएगा वह तो जानता नहीं। तुम नित्य का अभ्यास रखो, यदि आगे प्रकाश हो तो अच्छा, ना भी होने पर अंतिम निश्वास में तुम पाओगे। प्रश्न करता, माँ अंतिम काल में स्मरण का क्या वैशिष्ट है? माँ एक कहानी कहती हूँ, सुनो। एक आदमी तेल बेचता था, 80-90 वर्ष का तेली, उसका अंतिम समय आ गया। लड़के लड़की पास थे, अंतिम समय सब घेर कर बैठे थे। एक जन कह रहा था, बाबा तुम काली काली बोलो। उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई थी। वह उस समय बोला, एक बूंद भी नहीं। अपने तेल बेचने के अभ्यास से वह यह भाषा बोल रहा था। तो देखो अभ्यास का कैसा प्रभाव है। यह सत्य घटना है, प्रत्यक्ष उदाहरण। इसी से कहती हूं, तुम उन्हीं को लेकर रहो। जीवन में ना होने पर भी यदि शेष मुहूर्त में वह उच्चारण व स्मरण होए तो मुक्ति होगी। जीवित रहते प्रकाश होने पर तो कोई बात ही नहीं, यदि अंत में स्मरण होए तो समझो कि तुमने मरना जाना। मृत्यु की मृत्यु हुई, यह जरूरी है।
यह नहीं होने से तुम अमृत की संतान हो यह नहीं समझ सकोगे। प्रश्नकर्ता, माँ जिसने सारा जीवन कुछ नहीं किया उसको शेष काल में नाम सुनाने से क्या कुछ होता है? माँ, तुम तो जानते नहीं सारा जीवन एक आदमी ने क्या किया। यदि शेष मुहूर्त में हरि नाम करो तो हो सकता है उसको हरि नाम स्मरण हो जाए। इसीलिए आत्मीय स्वजन को उचित है कि शेष काल में स्मरण में सहायता करें। अवश्य पूर्व योगायोग ना होने से हरि नाम सुनने का योगायोग नहीं होता। कर्म के साथ सब युक्त है। फांकी देने से फांक में पड़ना पड़ेगा, नकल से नहीं होगा। सारा जीवन कुछ ना करके शेष काल में फांकी देकर हरि स्मरण नहीं होगा। कोई किसी को कुछ नहीं देता, अपना ही रखा रहता है। उनके यहां चूल चीरा, बाल से सूक्ष्म विचार। प्रश्न, माँ सब कोई क्या कर्म का फल इसी जीवन में भोगते हैं? माँ, बहुतों का रखा रहता है, रिटर्न टिकट ले जाता है, फिर आएगा भोगेगा। प्रश्न करता, माँ बहुत लोग धर्मात्मा नहीं फिर भी इस जीवन में खूब सुखी रहते हैं। माँ, इस विषय में बड़ा सूक्ष्म विचार है। सब भोग करना पड़ेगा इस जीवन में व जन्मांतर में, पूर्व का पुण्य। प्रश्न करता, माँ ने कहा था जो छोड़ना पड़ेगा वह बड़ी बात नहीं है, जो पकड़ना होगा वही बड़ी बात है ना? माँ, पकड़ी हुई छोड़ी हुई दोनों ही छोड़ जाती हैं। जहां पकड़ने छोड़ने का प्रश्न नहीं वही स्वयं प्रकाश, जो नित्य है उसी को पकड़ो। जिसे पकड़ने से जो करने से पकड़ने छोड़ने का प्रश्न नहीं आता उसी को पकड़ो। वे हैं अधर व अधरा, उन्हीं को धरो। मन से उनको पकड़ा नहीं जा सकता, अमन होना पड़ेगा। तुम में तुम ही हो, इसलिए जिसे पकड़ने से पकड़ने छोड़ने का प्रश्न नहीं रहता उसी को पकड़ो। प्रश्न करता, माँ मन क्षण क्षण में परिवर्तित क्यों होता है? माँ, मन का यही स्वरूप है। मन से ऊपर उठना होगा, उसको स्थिर करने का उपाय ही तो अभी बताया गया। यह शरीर कहीं जाता नहीं, किसी का लेता नहीं, देखता नहीं, खाता नहीं, बोलता नहीं, जैसा बजाया वैसा बजा। प्रश्न करता, माँ हर साल एक ही उत्सव क्यों किया जाता है? माँ, उत्सव की सार्थकता है स्वयं प्रकाश के पूर्ण प्रकाश में। उत्सव संपूर्ण होता है स्वयं प्रकाश भाव के पूर्ण होने पर। उसी संपूर्ण प्रकाश के लिए, सार्थकता के लिए प्रतिवर्ष उत्सव के साथ उत्सव करते जाना, बाहरी सापेक्ष क्रिया के मध्य में साधन करते जाना निरपेक्ष पूर्णाहुति के लिए। प्रश्न करता, माँ यह उत्सव सार्थक हुआ कि नहीं कैसे समझूंगा? माँ, प्रत्येक अपने मन में समझेगा कि यह उत्सव किसके निकट कितना सार्थक हुआ। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकारी भेद से भाग भाग में, स्तर स्तर में उनका उत्सव और उसकी सार्थकता समझनी होगी। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।